सोमवार के दिन नागपुर के कोही तहसील के धनुली गांव में किया डकैतों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस निंदनीय घटना में पहले डकैतों ने 5 घरों को लूटा, पीटा और फिर बनाया एक मासूम को हवस का शिकार। रात के अंधेरे में ग्रामवासियों पर बरसा लुटेरों का कहर। 5 परिवारों के साथ एक नाबालिग युवती को बनाया इन दरिंदों ने निशाना। पुलिस पहुंची घटना स्थल पर 4 घंटा लेट। आम नागरिकों में फूटा आक्रोश का ज्वालामुखी। आखिर बगल में पहुंचने में पुलिस को क्यों ही देरी। संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस दिखा रही है अपनी कार्यकुशलता। असल आरोपियों को ना पकड़े जाने से परिसर वासियों में भारी गम व गुस्सा। नागपुर जिले का छोटा सा देहात, लेकिन शुक्रवार की रात इस देहात को किसी की नजर लग गई और गांव में कुछ लुटेरे घुस गए। इन लुटेरों ने लूटपाट और डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद एक छोटी नाबालिग बच्ची की असमत भी लूट ली। आइए देखते हैं क्या था शुक्रवार की रात का भयानक मंजर। रोजाना की तरह ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धनोली गांव के किसान दिन भर खेत में हल जोतकर, बीज बोकर शाम के ढलने और रात की दस्तक के बाद अपने अपने घरों में आराम के लिए अपने बिछौने पर जाकर एक मीठी नींद के इंतजार में थे। लेकिन इन ग्राम वासियों को क्या मालूम था, रात के घटाटोप अंधेरी में पसरी हुई खामोशी अगले ही कुछ घंटों में यादगार बर्बरता की दास्तान लिखने वाली है। जी हाँ, शुक्रवार रात 8:30 बजे के दरमियान कुछ नराधम कथित डकैतों ने धनोली गांव से सटे आसपास के इलाकों में अत्याचार, जुल्म और हैवानियत का ऐसा तांडव शुरू किया जिसने पूरी मानवता को लज्जित करके रख दिया। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की आग की तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 19 तारीख को नागपुर के अंदर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। वो एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसने पूरे नागपुर जिले को हिला के रख दिया था, जिसमें कुछ अज्ञात लुटेरों ने, कुछ बेखौफ डकैतों ने अपनी डकैती की नापाक साजिश को अंजाम दिया। और सिर्फ वो डकैत इस मानो में डकैत नहीं थे कि उन्होंने माल और मत्ता को लूटा था, बल्कि यहाँ पर एक अबला नाबालिग लड़की की इज्जत को भी उन्होंने तार तार करके लूटा है। ये वो जगह है जहाँ से उन्होंने अपने नापाक षड्यंत्र को अंजाम देना शुरू किया था। शायद इस घिनौनी वारदात में अगर सिर्फ डकैत डकैती ही करते रहे तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन इंसानियत के इस जुनूनी सरफिरे दुश्मनों ने सिर्फ माल और संपत्ति पर ही हाथ साफ नहीं किया, बल्कि अपनी शारीरिक वासना को संतुष्टि के लिए एक पानी की तरह पवित्र मासूम लड़की को बारी बारी से अपनी हवस का शिकार भी बनाया। पहले तो इन बौखलाए डकैतों ने पीड़िता के परिवार वालों को बेदम मारपीट कर खून से लहूलुहान कर दिया। फिर इन हैवानों की नजरें उस अबला लड़की पर पड़ी जो अपने माता पिता और भाई को पीटता देख बेआवास हो चुकी थी। रात की तन्हाई का फायदा उठाकर इन्होंने उसे खींचकर घर के आसपास उग चुकी कटीली झाड़ियों में फेंका और उसके साथ वो सब कुछ कर डाला जिसके तवसूर से ही सभ्यता कांप उठती है। थरथराती हुई जबान, दहशत जदा चेहरे और पथराई हुई आंखों के साथ इस घटना के चश्मदीद गवाह लड़की के भाई और पिता ने जब अपने और अपनी बेटी और बहन के साथ हुई आपबीती को बयान किया तो कलेजा मुंह को आ गया था। आत्मा मालक घरा कर गेले मुझे वाले प्रश्न जेवण झालला कुत्रे भुकले म्हणून का झाला बा म्हणून मी टार्च घेऊन आंब्याच्या झाडाकर गेलो टार्च असं इकड भोवता भोवताल मारलो छोले रे म्हणून दिलो छोले म्हणलो मग पाठमोहरा झाल्याच्यानंतर बोलता दिसले ना आंब्याचं झाड आहे बाबरी झाड आहे ते असतील ते लपून ते काही मालूम नाही। मग मी असं पाठमोहरा झालो ना बस काडकूड आले आणि भडू मारणं चालू केलं। मग आमची काय झाली मग मी पलटलो मग आमची खूप रमदाडी झाली, अर्धा पाऊन घंटा आमची रमदाडीत झाली पुरी। मग काय झालं एका जणाला मी फेकलो तर फेकलो त्याची काडी आपण धरायला गेलो असं बागून तर भडू अजून मग येतं मार बसला रोड मग हातावर मग मी पुरा थंड जायला। मग काय झालं मग त्याच्यानंतर मग माई याची पर आलर गेली तर तिलाही 2 झोडपे मारला तिलाही पाळला मग त्यानंतर माई फडकर लागल घरात नेला मग ते म्हणत
तेरे मालिक मालक ने 1,10,000 रुपये दिए तो का है रखा दे तो तीनों मन लगते वो मालक के पास पैसा ज नहीं तो का दे ऐसी बात की है इसने मग मेरे झोपवन ठेवला त्या पलंगावर माय ये चिले ठेवला माय पूर आले त्या लई मारला ये तो दोघा काय का नाही माय पुरी माय याची सांगत का पुरी घरात गेला घरातले डब्बे डुबे सब पायचू केला वडत आम्हाला तिथंच बसून ठेवलं बंगलाचा नाही दोघं जण ठाईचे दंडे घेऊन राहिले मी तर खडली उरत मग त्याच्यानंतर पुरे डब्बे डुब्बे काढल्यावर पोरीला पण घरातून बाहेर काढून त्यानं घिसाटत नेलं तरी मला काय हे मालूम नाही आहे फक्त माई येतील माय पोराला ठाव मग बाहेरून आम्हाला साखरी लावला तर आम्ही राहिलो अंधारच तर पोलीसवाले पोलीस स्टेशन चालू राहते रात्रभर मग गेल्याच्या बाद म्हणजे गाडी दिसली ते निघले बाहेर असं झालं हे झालं हे झालं आता हो यार म्हणे माहीत झालं हेच होत का हो हेच होत मग तेथी बी अर्धा घंटा लागल्याच्या बाद म्हणजे इथं आम्हाला 1:30 आणलं इथं पोलीस स्टेशनमधून तर इथं 4:30 to 5:45 वाजले सकाळचे 4:30 to 5:45 वाजले तरी यायच्या 2 माणसाचा इलाज नाही झाला इथं बी तो डॉक्टर असा आला होता तो एकच गोष्ट 3 वेळा बोलले 3 वेळा अरे मी सांगून राहिलो तर इथं बी लवकर इलाज नाही झाला मग त्याच्या बाद मध्ये मग काय झालं बा मग त्याच्या बाद पोरीला आणलं पोरगी तिकडे पळाली होती का नाही ज्या बंगल्यावर तर तिथून मी आणून आणायच्या याच्यात अवस्थेत होती नाही ते पोरगी त्या पोरीला मग हे कपडे हे ते घालून सायने मग ते आणल्या गेले शुक्रवार की रात इन खूंखार डकैतों का शिकार सिर्फ एक ही घर नहीं हुआ था बल्कि थोड़े थोड़े अंतर पर स्थापित वो हंसते खेलते आबाद 4 घर और भी हुए थे जिसमें रह रहे परिवार वालों की डबडबाती हुई आंखें भी घटना की गंभीरता को खूब बयान कर रही थी तो आइए पहले उस घर के नंबर 1 के परिवार वालों से रूबरू होते हैं जो डकैतों के खौफ से अपने बच्चों के साथ आज तक घर नहीं लौटे हातरून पांघरून करत होतो मी हातरून पांघरून करायचा वाटत होता मग मला दरोजा लावून घेते दरोजा लावून सऱ्या मग ते दरोजा पडला मग त्याने मग नका शाटसूळ आले येऊन सरून त्याने मारलं 2 काड्या त्याने मारले 2 काड्या मारून सऱ्या मग कुराट टाकली वदरून तर त्याने हातपशी वद्र केला ते सरवलती कुराट त्याने लगली लगून सऱ्या मग ते का झालं मग मी आडवी झाली तर आडवी होऊन सऱ्या मग 2 काड्या मग पायावर बसलो पायावर बसून सऱ्या मग त्याने अधिक डब्बल नका तर पोट्याला म्हणून सऱ्या अलग करून सऱ्या नेले होते ते असे एकामेकांचे अंगात टाकले तर मी म्हणून आपल्या बाळाला द्या बाबू म्हणून सऱ्या अशी धावे धावून सऱ्या मग 2 काळ्या येतं बसल्या मानावर मानावर बसून सऱ्या मग अधिक नाही का त्याने दुसऱ्या घट गेला होता नाही तर म्हणजे इरीत टाकतो म्हणे बाळाले इरीत टाकायच्या वाटायचा बाबा म्हणून मा बाळाला माकर द्या मागल 3,000 मागले मी शुक्रवारी मागले भाऊ त्याच रात्री असा हंगामा झाला काय केलं कसे आले लोक काय लोक आले भळभळ मारला मी जो असं लंबी जाऊन गेलो लंबे पाय केले रट्ट्याचे मार झाला चालू किती जण असतील 5-6 जण होते भाऊ तुम्ही त्यांचे चेहरे बघितले चेहरे भाऊ चोंडे बांधले होते तुमच्या घरी अजून कोणी महिला वगैरे होती ते घरवाली होती काय केलं त्याच ते धावली मान नव्हायला काऊन मारते म्हणून धावली तिने 2-3 गाड्या मारल्या नळभाऊ आणि त्या माया लहान पोरग होता त्याला भक्क भक्क फसे फेके तिकडं इकडं तो झेले तो गेले तो झेले असं वाटते फेके त्याला म्हणले 8 म्हणजे 8 आणि 4 12 त्यांचे चेहरे वगैरे नाही बघू शकले तुम्हाला वाटते का ते पारधी लोक असतील नाही वरकत बाबा म्हणजे कारण की त्याचे बांधले होते दिवे वरवले पटणं जाय ना दे झुलाय पक्का मारला पहिले बेहूज पडलं मारला मला मग मारले कुराड मारले हा कुराड मारली डॉक्टर डोक्यावर मार डोक्यावर टाकी किती आहे किती टाके 7 टाके भरले
एक तरफ गांव के बाहर ये सब कुछ चल रहा था और गांव वाले अपने नियमित कामों में प्रतिदिन की तरह व्यस्त थे, मगर हवास बागता भागते हुए इस पीड़ित लड़की ने भागते हुए गांव वालों की शांति को भंग किया और बताया कि हमारे गांव में कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक इंसान नुमा ये हैवान अपने नापाक इरादों को अंजाम दे चुके थे। लेकिन जख्म तो जख्म होता है, वो जब रिसता है तो तकलीफ को और भी बढ़ा देता है। जैसे ही गांव वालों को इस पीड़ादायक घटना की पर्याप्त जानकारी मिली, गांव वालों ने चौतरफा चिल्ला पुकार धरना प्रदर्शनों के साथ न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही थी, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। पुलिस स्टेशन का अलगर जिमड़ो बिल्कुल मजा आणि याला नेते लोकांचा मंत्री लोकांचा हात आहे आणि हा काँग्रेसचा स्वातंत्र्य नाही आहे, बिल्डरशाही आहे। बिल्डरशाही मध्ये असं होऊन राहिलेला मी जेव्हा सभापती होतो तर का नाही झाले असं कांड। मी जेव्हा सभापती होतो मी दौरे करत राहतो, हे लोक का करते बाई पाहिजे, बाई पाहिजे सभापती का करते बाई सभापती, मी राज्याने दौरे करो आणि हे असे प्रकरण होण्याचं कारण याला कारणीभूत सरकार, राज्य करते सत्ताधारी पार्टी, समजलं का? म्हणून ह्या महिलावर अत्याचार होते आणि हा महिलाचा अत्याचार तुम्ही जिथपर्यंत दरोडीखोरी बंडखोरीवर बिल्डरवर लक्ष देणार नाही घटने को थोड़ा सा रिकवर करना चाहिए था, पर पुलिस वाले ने ये नहीं किया, क्योंकि उनको भी धोखा रहता है कि अपन वहाँ पे गए और अपने पे कोई लाठीचार्ज हुआ। क्योंकि तभी मैंने एक पुलिस वाले से जब बात किया तो पुलिस वाले ने हमको यही बताया कि हमें भी थोड़ा सा डर लगता है कि वहाँ पे जाओ या नहीं जाओ, यानी इस पे अपने को ये समझ में आता है कि पुलिस भी फटी है। और जब अभी मनोज कुमार जी से हम बात किए तो मनोज कुमार ने भी अस्पताल में जो मैं अभी देखा हूँ कि यह अस्पताल में जो इसकी जो हालत है बहुत ही बुरी है। अगर ये जल्दी पुलिस वाले अगर जल्दी में वहाँ पे पहुँच जाते तो ये घटना जो हुई बलात्कार की वो केस नहीं हुई रहती, आरोपी मिल जाते, आरोपी मिल जाते। दो दिन हो गए अब तक आरोपी पकड़ा नहीं है। ज्याला गरीब माणसावर झाला नाही, एखाद्या चांगल्या माणसावर झाला त्यासाठी काय एकादशी करतात? दिल्लीला तर एवढा चांगलं झाला, दिल्लीला अर्ध्या तासामध्ये एवढा मोठा कार्यक्रम झाला, खऱ्यांची एवढा कार्यक्रम झाला। ग्रामवासियों में फैल चुके रोष ने घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में लाकर रख दिया था, तो मौका देकर चौका मारने की प्रवृत्ति रखने वाले हमारे राजनेता कैसे इस सुनहरे अवसर को भुनाने में दूर रहते। परंपरा की तरह उन्होंने भी आग में घी डालकर जनाक्रोश की लगी आग को और भी दहका दिया। लोगों को लेके आए हैं और जब तक के वो निश्चित नहीं कर पाती वो लड़की, क्योंकि बहुत सारा अंधेरा था और नकाबपेश वो लड़के थे, 6-7 जन थे और नकाबपेश थे, इसलिए वो कुछ घबरा गई थी लड़की। घबरा जाने से वो लड़की ने उनके चेहरे कुछ ऐसे देखे हुए नहीं है और कुछ चेहरे ऐसे है कि वो पहचान सकती है। तो अभी कुछ लोगों को लाने वाले हैं और लड़की के सामने पेश करने वाले, अभी उसको दवाखाने से लाए हैं। वो घबराई हुई लड़के जब शांत इससे उसको लोगों को लाके वो दिखाने वाले साहब, और लड़की जैसी पहचानेंगी तो उनके ऊपर जैसी जो कार्रवाई शासन ने, जो अभी तक के अपन जो चिल्ला रहे थे कि जो आत्मा जो यानी जिस ढंग से कृत्य कर रहे हैं, जो बलात्कार प्रकरण जो हो रहा है इस देश में एकदम निंदनीय है। ये तो पब्लिक के हाथ में छोड़ देना चाहिए, अब पब्लिक ने ही इसका फैसला लेना चाहिए कि इन लोगों को सरकारी शासन कोई सजा, फांसी इनके लिए कोई सजा नहीं है। पब्लिक ने ही उनको आधे जमीन के नीचे गाड़ना चाहिए और आधे उनको ऊपर रख के उनको पत्थर से मार मार के पूरा जिंदा मार देना चाहिए। और ये अधिकार पूरा कि इन्होंने जो दोषी हो गए उनको उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं समझे कि जो दोषी हो गए और जो बलात्कार हुई है वो लड़की पीड़ित है उसको महाराष्ट्र शासन ने पुनर्वसन का उनको पूरी साधन देना चाहिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था देना चाहिए। और जो आरोपी है हमने पहले भी मांग की है कि बलात्कार के केस में फांसी के सिवा कोई सजा नहीं है।
पीआई है जिनको ये रिपोर्ट पेश करना है, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, समझे क्या, इनको 302 कानून के अंतर्गत गुनाह दाखिल करना चाहिए। हमारी ये पुलिस स्टेशन के अगल बगल में करीब करीब सिटी का एरिया भी लगा हुआ है जहाँ ट्रैफिक के बूथ्स भी लगे हुए हैं पुलिस के, और ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे गाड़ियों की वसूली करने के लिए खड़ी रहती है, मतलब 24 घंटे पुलिस रोड पे है। यहाँ से 15-18 किलोमीटर विंतूर पुलिस स्टेशन है, इधर बाजू में मऊदा पुलिस स्टेशन है, पुलिस के पास में चारों तरफ पुलिस स्टेशन रहने के बाद में कम्युनिकेशन के वायरलेस है, मोबाइल्स है, मोबाइल वैन है इनके पास में, हर एक डिवीजन में ACP रैंक का अधिकारी बैठा हुआ है। ऐसा सब होने पर भी घटना के बाद वो बोलते हैं कि 10 बजे घटना है, उनको 11 बजे, ठीक है, मैं ये समझता हूँ, मैंने ये बोला भी है उनको कि आपके पास में इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम होने के बाद भी पुलिस से अपेक्षा थी कि रात भर में ये पकड़ा जाएगा। आज भी जो लाए हुए संशय थे उनके किसी वो भटके समाज के कुछ गाँव है उस एरिया में उनका लक्ष्य उन्होंने केंद्रित किया है, हमने उनको आगाह कर दिया है कि इस एरिया से आधा घंटा एक घंटे में MP की बॉर्डर्स लगी, यहाँ से नागपुर सेंटर पर से 0 माइल से इसलिए रेलवे के सारे साधन है पूरे महाराष्ट्र के बाहर जाने के, ट्रैवलिंग्स की गाड़ियाँ इतनी है कि गाड़ी में बैठो घंटे भर में आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। तो आप कहीं लोगों को सोंग दिखाने के लिए छोटे मोटे एरिया का तपास करेंगे और कहीं आरोपी इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, जिनके बाप की बात है उनको पकड़ लेंगे ना। तो दिल्ली का जैसा हुआ वैसा नागपुर में टाइम नहीं लगेगा, हम इंसानियत के नाते आपको बता रहे हैं कि दो दिन में जैसे लोग बोलते हैं उनको आप पकड़ो, पब्लिक सड़क पर आएगी सबकी पुलिस वालों की, इनके हाल में लाए हुए जो वातावरण बना ना अभी समाज का, क्या वातावरण है, क्यों गुंडे मवाली रोड पे आ रहे हैं, क्यों लोगों को खून हो रहे हैं, इसके पहले गोली चली थी, कहाँ आरोपी, क्या अंधे बहरा समाज है क्या, इस लड़की को न्याय देना ही हमारी बहन है ये जिले की, और हमारा ये जिला पूरे विदर्भ में महाराष्ट्र में कलंकित करने का इतना बड़ा घटना हुआ, मतलब इंसानियत को अपमानित करने का कार्यक्रम आगे क्या स्टडी कर पाएंगे। जो दिल्ली में घटना इस तरह की हुई तो उसका पूरा मीडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर वो घटना विरोध किया, लेकिन अभी हमारे ग्रामीण में हुआ तो मीडिया सोई हुई है, मीडिया का हमारे ग्रामीण के तरफ कोई ध्यान नहीं है, और ये जो घटना हुई वो 8 बजे की घटना है, तो कोई सिरा में नाम के व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में फोन किया, तो उसी वक्त यदि पुलिस वहाँ पहुँच जाती तो जो घिनौना काम हुआ तो एक दो लूटपाट की घटना छोड़कर बाकी नहीं होता। तो बहुजन समाज पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है और आरोपी पुलिस को ताकीद देती है कि आरोपी जो भी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। इस वारदात के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या वाकई में ये आरोपी असली आरोपी है या फिर पुलिस की ओर से ये लोगों के आक्रोश को शांत करने का एक तरीका है, क्योंकि इन आरोपियों के परिवार वालों का कुछ और ही कहना है। और चलो थाने के अंदर बोल के रात को 4 बजे से उठा के लिया है। अच्छा, 4 बजे से और अभी तक छोड़े नहीं? अभी तक नहीं छोड़े। आपके कौन क्या क्या कारण ये जिठानी है? नहीं, जिसको पकड़ के लाए उसके आप कौन? मैं काकी हूँ उसकी। और ये पत्नी? हाँ, काकी इसकी पत्नी है। क्या बोल कर लाए कि भैया हम तुम्हारी सबकी पूछताछ कर लेंगे और पूछताछ करने के बाद में तुम सबको हम छोड़ देंगे, ये सब ये बोल के सोते हुए नींद में जिनकी जिनकी पत्नी के पास में सोयल थे तो उनको उठा उठा के खड़े करके और उठा के लिया है थाने के अंदर। हालांकि मारे ये 18 तारीख को जो हुआ है, 18 तारीख को आपके लोग कहाँ थे जिनको पकड़ के लाए? जिनको पकड़ के लाए वो कहाँ थे? एक सर पे गड्ढा लेके साहब हम ये दारू निकालते हैं, दारू की भट्टी वाले उनको लकड़ी ला के देते साहब। लकड़ी लाने गए थे क्या उस समय? हाँ, लकड़ी लाना बेचते लकड़ी ला के साहब। दिन में जाते दो दो सौ, तीन मतलब चार चार पाँच पाँच फ्री 200-200 रुपए में लकड़ी बेच के खाते। 18 तारीख को रात में कहा? ये तो घर पे साहब, बाल बच्चे है साहब, सब
घर पे ही थे क्या? घर पे ही क्या कर रहे थे? घर पे घर पे क्या खाना पीना खा के सो रहे थे क्या? राजनेताओं के बढ़ते दबाव और सर चढ़कर बोल रहे जनविरोध को देखते हुए हमारी समाज रक्षक पुलिस देर से जागी भी, लेकिन उल्लेखनीय कार्य इस वारदात के संदर्भ में अब तक नहीं किया। चार घंटा देरी से घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ना ही आज तक वारदात के असली आरोपियों को पकड़ा और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान कारक जवाब दिया। और तो और, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को इस संबंध में कोई जानकारी देने के लिए काफी हाँ नहीं और टालमटोल के बाद सुबह से शाम कर दी। काल रात्रि मध्ये 8 ते 11 च्या दरम्यान ऐसी घटना घडली की 5-6 गुन्हेगार प्रवृत्तीचे माणूस या नवरगाव गावाचे जवळ शेतामध्ये जे नोकर शेतीसाठी आहे त्यांचे घरामध्ये गेले आणि त्यांचे घरामध्ये जाऊन त्यांचे पैसा आणि काही सोनाची मागणी केली आणि पैसा आणि सोना त्यांच्याजवळ जास्त नाही का ते एकदम गरीब माणूस आहे तरी पण त्यांना त्या पैसा मिळाल्यानंतर मारपीट केली त्यांच्यासोबत आणि त्या मारपीटच्या दरम्यान एक मुली तिसोबत त्याने गलत काम केलेले आहे आणि त्या मुलीचे रिपोर्टवर आता गुन्हा दाखल करत आहे। पूरी ताकत से मुस्तैदी के साथ मैं लगातार मेहनत कर रहा है और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो आरोपी हैं उनको शोधने की बहुत स्तर पर अलग अलग स्तर पर मुहिम की है। एक नहीं बल्कि सभी एंगल से, लगभग 6-7 एंगल से हम लोग इस घटना को देख रहे हैं और अभी तक हम लोग करीब करीब 8-9 लोगों को हमने दावे में लिया है और उनके साथ पूछताछ जारी है। हम सही एंगल पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है हमको। होपफुली जो घटना करने वाले लोग हैं उनको वो जल्दी मेरे काम। शुक्रवार की रात धनोली गांव में जो कुछ हुआ उसे किसी भी सभ्य समाज में कबूल नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी किसी और घटना से तुलना की जा सकती है, मगर नैतिकता, मानवता और सभ्यता, इंसाफ का चीख चीख कर दावा करने वाला हमारा मीडिया आखिर क्यों इस आपत्तिजनक वारदात पर शोर और शराबा नहीं करता? क्या उसे इस ग्रामीण क्षेत्र में हुई घटना में दिल्ली की दामिनी की पीड़ा महसूस नहीं हो रही? दामिनी गैंग रेप कांड के बाद इस देश की जनता का खून खौल उठा था, लेकिन क्या देहात में हुई ये घटना इतनी मामूली है कि लोगों का खून ठंडा हो चुका है, या फिर दामिनी इस देश की इकलौती बेटी थी? इस वक्त नवरगांव से NBCN न्यूज के लिए सनी भोंगाड़ी की रिपोर्ट।